हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ। अब मने हम आए गए हैं, अब मने आए गए तो तुकर लोग का आज कुछ सुनाई बे। आज हमार मन है एक किस्सा सुनाई तुकर लोग का अपने गांव के, जो उन किस्सा के किस्सा है और शिक्षा अलग से है। शिक्षा का है वो बिना हमरे बताए समझ जी हो, लेकिन तब हम बताए देब। बहुत बहुत जने हमरे दिमाग तो ना है वो जल्दी समझ नहीं पावत हैं। ये किस्सा है, एक हमरे भकालू भाई हैं उनके किस्सा है, एकदम सत्य कथा तो का लोग का बताई थे। ना नाव बदला है, ना गांव बदला है, ना कहानी बदला है। कहानी के घटना पात्र सब वास्तविक हैं, ठीक है। एक भकालू भाई हैं हमरे गांव के बगल में, एक कुट्टी गांव है, मजरा है हुआ के रहे वाले, जो चंद्रखा गांव हमारा है ओमा 14 मजरा हैं, वहीं में एक मजरा हमारा बनिया गांव है और बगल में एक गांव पड़ता है कुट्टी, हुआ के भकालू भाई रहे वाले हुए हैं, अभी हैं हमरे उम्र के हैं। कुट्टी गांव जो है पठान लोगन के गांव है, छोटस गांव है। तो जोन भकालू भाई रहे वो हमरे उम्र के रहे, उनके जोन पिताजी रहे रफीक बाबा, तो ये कभों कभों इनके दिमाग आउट हो जात रहा, तो आउट हो जात रहा तो एकदम मतलब जोन है आउटे समझो, बिल्कुल सेंसलेस हो जाते हैं कई बार। तो इके वजह से जोन जिम्मेदारी रही भकालू भाई के कंधन पर बहुत कम उम्र में आई गए, बहुत कम उम्र में भकालू भाई के ऊपर परिवार के जिम्मेदारी आएगी। जौने उम्र में हम लोग खेला कूदा जात रहा, वो उम्र में भकालू भाई जो है घर गृहस्थी में जुट गए रहे। भवाई कि उनके भकालू भाई के एक पेड़ रहा, वैसे तो बड़े बनाई हैं कईयो बगिया उगिया भी रही, लेकिन एक पेड़ उनके रहा जौन पहले कभू उनके बाबा वबा के भट्ठा उट्ठा लगवाई नहा, उस समय भट्ठा टूट गया रहा, तो उनका अभी उस समय मोटे भट्ठा सभी कहा था उनके बाबा के मोटे नाम रहा, तो मोटे भट्ठा के नाव से जाना जाता रहा। भट्ठा उट्ठा मतलब बंद हो गया रहा, लेकिन जगह जो है मोटे भट्ठा के नाव से जानते, तो वही मोटे भट्ठा पहन उनके एक अकेलवा पेड़ रहा। अकेलवा पेड़ मतलब आम के पेड़ रहा, और अकेलवा पेड़ अब बहुत कम दिखाई पड़त हैं, पहले दिखाई पड़त रहे कि पीपर ऊपर के बिरवा इतना मोट एक पेड़ कौनो आम के या कोई पेड़ अकेल पेड़ रहता था उत्तर अगस्त पर नहीं रहते हैं, और बहुत बड़ा छतनार लेके वो रहता रहा, मतलब समझो गोलवा आम रहा, हमारे ख्याल से इतने आम रहते रहें, इतने इतने आम गोलवा आम रहा वो। तो वो जो है रहा उनके पेड़, और अलग बगिया भी रही हुई, लेकिन वो पेड़ जो है मशहूर पेड़ रहा। घर से उनके थोड़ा दूर पड़त रहा, करीब हमरे समझ से 800-900 मीटर, और सीजन के बात रही जो उन्हें बौर आवा, बौर के बाद जो उन्हें वहाँ दाना पड़े लग गया। जब दाना पड़े लगे तो काफ़ी पहले की बात है, उस सहित हमरे समझ से BSc में रहे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहे हुए, तो जब दाना वाना पड़े लगे वहाँ, जैसे राई के दाना नहीं सरसों के दाना अत्यत्य दाना पड़ गया, और आम बहुत फरा रहा, मतलब बहुत बौरा रहा, बहुत मन से बौरा रहा। तो एक दिन एक जो है आदमी दाढ़ी वाढ़ी रखे बढ़िया से, और एकदम साधुन तना कपड़ा पहन रहा है, वो आदमी निकला बाहर से, और एक बात कहे, अरे भाई बिरवा जो है हमका रखावे दे दो, रखौनी के रेट हमरे तरफ चलत है आधा आधा, मतलब अगर कोई आम बचाई तुम्हार तो आधा ऊ लीजिए आम बचाई, आधा उके भवा जे बगिया बिरवा जे के हैं। तो चूंकि भकालू भाई अपना आय के देख नहीं सकत रहे, तो वो कहन के ठीक है भाई बाबा तुम रखाए लो। अच्छा जो बाबा रहे वही का कहन कि जब रखावे को उनका मिलेगा तो अगले दिन कहूँ एक शीशी भर के दवाई ले आए, पूरे बिरवा छिरक दिन। अब वो शीशी में कितना विटामिन रहा हो भगवान जाने, उन्हें जाने,
अति बड़के शीशी एक ठोरे लाए और उनका पानी में गबड़ के पूरी मेरा बाप छिड़क देन। अब छिड़क देने के बाद जो है एक दिन और बाबा रुके के बाद बाबा चले गए। बाबा चले गए, जब बाबा चले गए तो भाई धीरे धीरे आम बढ़े लागे। अब हियाँ बाबा का सहारा देखें कि बाबा का रखौनी दिन का है, बाबा आए जाए। एक दिन बाबा ना आए, दुई दिन आए, महीना दुई महीना बीत गया। आम एकदम जौन है बड़े बड़े खूब हो गए, लड़के रोज मारे ढेला तोड़े। तो सबे कहन भाई जी का रखवारी दे दो कोई, कहन वो बाबा पता ना आई हैं कि ना आई हैं। तो भकालू भाई का कहन कि जौन है एक दूसरा दिन रखवार रहे उनका दे दिन, उन्हों महीना भर रखाएं, उन्हों रखाएं। जब आम बिल्कुल चुए चुए के आवे लगे एकदम टिकोरा पीला पीला लाल लाल एकदम चमके लागे, तो एक दिन वो बाबा साइकिल से निकले। वही बाबा जे देवाई छिड़किन नहा, कहन अरे जौन रखवार रहो का गरियाइन, कहन कही रे सारे तय कैसे हियाँ, इका तो हम रखाई थे। तो कहे से हमका रखावे के दिन के सारे नहीं तो दवाई हम छिड़का है और हम जब पहले सौदा कर लें तो तय कैसे रखावे आई गए भाग यहाँ से। तो वो बेचारा डराएगा भाग गवा भकालू बताए। भकालू आए तो भकालू आए मतलब गांव वाले आए, पूरी पंचायत बैठ गए। पंचायत बैठ गए तो बाबा से कहें भाई जब तुम आए हो ना आए तो तुम्हारा कस भवा, तुम दो दिन रहो चले गए। कहें तो बाबा कहें हमारा पैसा दे दो, हमें वहाँ दवाई छिड़का है कि नहीं छिड़का। भकालू भाई जो उन्हें उठा लें कलाम पाक। अब क्या कलाम पाक भैया उठावे ला गए और दवाई वो छिड़कबाई कि नहीं, तो कहें अच्छा भाई बाबा बता दो जब तक तुम्हारा दवाई हो उतना पैसा तो कर दे दिन जाए तुम छोड़ो। अरे बाबा जब तक दवाई बताएं जत्ते के बिरवा माम नहीं रहे, वह डेढ़ गुना बताए। अब का हो, अब का फैसला हो, आखिर में फैसला का भवा, फैसला ये भवा कि जो है आधा आम तो ले हैं बाबा और आधा ले हैं भकालू, आधा ले हैं वही जे रखाइन है और भकालू का कुछ न मिली उमा, ये फैसला भवा। तो कहे मतलब हमरे ये है कि मतलब बढ़िया इतना ज़्यादा आम रहा, भकालू भैया कहन हमरे कुछ नहीं मिला उमा से, उस साल कुछ नहीं मिला। ये एक कहानी है, एक किस्सा समझ लो या जौन समझ लो। ये हम कहा चाहे थे उनसे जे कौनो अपन काम शुरू करा था, कोई दुकान शुरू किहन, कुछ शुरू किहन या समझत हो जौन शुरू किहन। अब शुरू किहन शुरुआत में अपेक्षित सफलता नहीं मिलत है, तत्काल आप चाहत हो हमरे तरफ कहते ताके गुलगुला कि ताके गुलगुला नहीं होते, हथौली हथेली पर सरसों नहीं जमत है, हैं तुरंत के तुरंत नहीं लाभ होते है। तो जैसे कोई धंधा कियो तो उमा जौन है आप समय दो, समय नहीं देते हो। और जौन चालाक लोग हैं वो आपसे कहते हैं आपके बिजनेस हम बढ़वाए देवे, आपके ये बिजनेस हम बढ़वाए देवे, और पता लगा आप उनके झांसा में आई जो वही करार कराए लेन एग्रीमेंट कर लेन। तो से एग्रीमेंट करे के बाद का कहन कि जौन है दो चार टीम टाम तोरे दुकान में लाइन लगाए दिन, बल्ब लगाए दिन, फुलझड़ी लगाए दिन, लगाए दिन वो लगाए दिन, शुरू में तुमका ला के अरे तो बहुत अच्छा दुकान हमारे कत्ता खराब लागत है, चूंकि वो प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल है, वो जानत है कैसे फंसावा जाए। और एक बात जौन है धीरे 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 नए नए लोगों से भी यही कहे थे, आप यूट्यूब चैनल बनावत हो, आप फेसबुक पेज बनावत हो, आप लोग भी का करत हो उठा के ठेकअप दे दियो। अब पता लग ठेकेदार चलाइस नहीं चलाइस, अपने मन से चलाइस, जहाँ तुम्हार जरूरत है हुआ वो बैठाए दे। तो गलती तुम्हारा है, जब तक जानो ना कोई के बारे में कि कैसा आदमी है कैसा का है तो ऐसे एग्रीमेंट काहे करो भाई, बात समझ गयो ना है। तो ये भकालू भाई हमरे किस्सा रहा, बताओ इतना बढ़िया आम रहा कुछ ना बेचारे पाएंगे, यही किस्सा भकालू भाई के हमरे ऐसे गांव के किस्सा अवधी भाषा में तुमका सबका सुनाई और सुने मजा आई। हाँ अगर बहुत आप लोग कही हो तो एक फिर हिंदी ट्रांसलेट करके भी सुनाई हम, हाँ मजा आई ऐसे सुनो। तो आज के किस्सा की कह रहा किस्सा भकालू, भकालू भाई हमारे मित्र भी हैं, बढ़िया आदमी है, बड़े आदमी हैं। थैंक यू भाई, ओके जिंदाबाद।